काफी ज्यादा लोग यहाँ पर खाने के लिए बैठे हुए। इधर से भी लोग टालने का कोशिश कर रहे हैं, उधर से भी टाल रहे पूरा। यहाँ पर देखो राइस कुछ इस तरह का रखा हुआ है, लकड़ी से बना हुआ। वाह, ये है ट्रेडिशनल ड्रेस वाला शॉप। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ 12 बजे से। अभी मैं बस फ्रेशा वगैरह हो चुका हूँ एंड जा रहा हूँ अभी यहाँ से एक मेला देखने के लिए। और इस मेले के बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता है, बट श्योर नहीं, इसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, वहाँ जाके कन्फर्म करूंगा किसी शख्स से, तब जाके आपको बताऊंगा ये एक्चुअली में मेला किस लिए किया जा रहा है। तभी मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अभी सबसे पहले चलते स्कूटी में तेल डालते और चलते यहाँ से। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर मुझे जाना पड़ेगा। मेन गेट, एंट्रेंस गेट, जहाँ पे एकदम खूबसूरत सा आपको डिजाइन वगैरह बना कर रखा हुआ है। और साथ ही साथ जैसे अंदर जाओगे तो अंदर में भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जहाँ में आपको बहुत सारे फ्लैग्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स के। और जो मेन फ्लैग्स इनका है वो ये वाला, इसमें बहुत सारे कलर्स है, आप देखना चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, तो इतने सारे कलर्स वगैरह है और ये है खूबसूरत सा एंट्रेंस। वाओ, मजा आ गया। तो इधर में लगा हुआ एकदम बड़ा सा मेला, आपको अंदर जाके एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कि क्या क्या चीज है। और यहाँ पर जैसे आओगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक लकड़ी का ब्रिज, क्योंकि यहाँ पर एक पहले पानी आना जाना करता था, उसको इसके लिए इसके वजह से मतलब इसके ऊपर में बनाया। और ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, एंट्रेंस तो काफी ज्यादा अच्छा है। अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आज जो फेस्टिवल हो रहा है उस फेस्टिवल का नाम ही है पोइलेंग, और लेंग किसको बोलता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज लेंग, अगर मैं गलत नहीं होता, अगर गलत होता आप मुझे करेक्ट करना। तो इसमें सीन हो क्या रहा है, एक बार उस तरफ टान रहे, एक बार इस तरफ टान रहे। अभी मैंने आपको पहले दिखाया था कि शख्स लोग टान के आगे की तरफ लगे गए थे, बट अभी इधर से लोग टानने का कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये लाइक टॉक ऑफ वार्ड की तरह है। और ये जो है, ये जो देख रहे हो, ये मेरे हिसाब से इसी को लेंग कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब ये टग ऑफ वार की तरह हो गया, देखिए इधर से भी लोग टालने का कोशिश कर रहे हैं, उधर से भी टाल रहे पूरा। अभी भाई इस तरफ जा रहा है, आई थिंक ये लोग हार मान के या बस जाओ बोल दिया शायद, ऐसे ही होगा। तब ये रात को लेके जा रहे हैं उस तरफ लेंग, आई थिंक लेंग। लगता है दोस्तों यहाँ पर ये जो रथ वाला प्रोग्राम था वो खत्म हो गया, अभी सभी लोग जाके वहाँ पर डोनेशन दे रहे हैं। एक वहाँ पर जो स्टेप है, स्टेप के पास में डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था, उसमें दे रहे हैं। और अभी यहाँ पर लोकल जो गाना बोल सकते हो या इनका जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है वो गा रहे, ये आंटी जी गा रही थी, यहाँ पर जो देख रहे हो ओल्ड वाली आंटी ये गा रहे थे। अब क्या प्रोग्राम होगा कुछ आइडिया नहीं है, और आज इतना खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि आज फर्स्ट डे था। और आज एक्चुअली में हुआ क्या था मुझे कौन बताएगा, आई डोंट नो। लोग ना यहाँ पर प्रे कर रहे हैं, वैसे अगरबत्ती वगैरह लगा ले वहाँ पर गाने के बाद, उसके बाद प्रे कर रहे हैं। और इसके बाद क्या क्या प्रोग्राम है समझ नहीं आ रहा है, कुछ यहाँ से भी लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, फिर इधर से कुछ लोग ट्रेडिशनल सॉन्ग गा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन वाला सीन हो रहा है। हेलो, बहुत कंफ्यूजन वाला सीन हो रहा है, हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई गाइड करने वाला तो अच्छा से एक्सप्लेन करके भी आपको दिखाता, बट वहाँ पर जो आप दूर दूर देख रहे हो वो सारे डाइनिंग हॉल है, एक वहाँ पर है, एक इधर है, और अभी मैं जस्ट उस तरफ गया था तो वो मॉन्क लोगों का है। तो यहाँ पे 3-4 डाइनिंग हॉल है और इस तरह में लगा हुआ पूरा मस्त मेला, जहाँ पे कुछ कुछ सामान वगैरह मिलेगा, तब चलो वो एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। और ये जो एरिया में बना हुआ है ना, ये एरिया काफी ज्यादा अच्छा जगह है एक्चुअली। और अच्छा बोलने का कारण ये है कि ये जो आप हॉल देख रहे हो ना, हॉल के पीछे साइड जाओगे तो आपको एक मस्त वाला नदी देखने को मिलेगा, तो ये एरिया काफी ज्यादा है, इसलिए खाने वगैरह का सब उधर व्यवस्था किया, क्योंकि वहां पर खाना वगैरह बन भी जाएगा और उसके बाद धोना वगैरह का तो नदी में जाकर धो लेंगे। तो अब थोड़ा चलते हैं इस बाजार को एक्सप्लोर करते हैं, वैसे आज इतना ज्यादा क्राउड नहीं है बट ठीक है।
इस ग्राउंड में आप दूर तक देखोगे ना तो आपको सब तरफ आपको ऐसा वाला फ्लैग्स देखने को मिल जाएगा, और सारे के सारे अलग अलग डिजाइन के हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, सब अलग अलग है, बट इनका जो मेन फ्लैग है वो ये वाले है। और इनफैक्ट आप ये जो फ्लैग देख लो, बस यहाँ पर नहीं, मैं 4 किलोमीटर दूर चौखाम से आ रहा हूँ, पूरे रास्ते में भी आपको साइड साइड ये वाला फ्लैग देखने को मिलेगा। ऑल आर डिफरेंट, कलर अलग है, सबका डिजाइन भी अलग है, मस्त दिखता है। तो अभी यहाँ पर कुछ कुछ दुकान तो लगे हुए भी नहीं, खुले ही नहीं है, और बाकी सारे देखोगे सामने जाके ना तो कुछ वही जो मेला टाइप में होता है ना, मेला में जो मिलता है वही सब आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। ये कौन सा ट्राइब का भैया जी, ये कोई ट्राइब का या बस ऐसे नॉर्मल? हाँ, कौन से ट्राइब का ये? निशी लोग लगाते हैं ना। अच्छा, ये वाला देखो, और उसके बाद ये वाला, ये तो हाँ ये गला में लगाने वाला है ना, जो ऐसे गोल करके बांध देते वो वाला। अच्छा, यहाँ में देखो बहुत तरह के आपको दिख जाएंगे, सारे अलग अलग ट्राइब के होंगे। ये कुछ अलग है, और ये देखने में एकदम सिल्वर जैसा लग रहा है, बट है नहीं, ऐसा लाइट वेट है पूरा। दिस वन इज समथिंग डिफरेंट। ये देखो भाई, एकदम दांत का शेप वाला, बट ये प्लास्टिक है, ये ओरिजिनल नहीं है। बट यहाँ के लोग जो एक्चुअली में जो ट्रेडिशनल ड्रेस में जो ऑर्नामेंट्स लगते हैं ना, वो सारे ओरिजिनल होते हैं, दांत वगैरह। ये कुछ अलग है, ये वाला देखो। तो आज बहुत कुछ मुझे देखने को भी नहीं मिलेगा और आपको दिखाने को भी नहीं मिलेगा, बट जो भी हो आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं कि इस मेला में क्या क्या है, बच्चों को खेलने के लिए लाइट्स वगैरह, दैट्स अ डिफरेंट। ये सब तो भाई सब मेला में सेम ही होता है, कुछ तो भाई यूनिक चीज देखने को मिला। ये भाई तुम्हारा है, कहाँ से लेके आया हो? ये नमसाई से लेके आया हो? कितने रुपए करके दे रहे हो सब? ये कितना, हाफ लीटर है ना? हाँ, 3.5 लीटर है कि एक पोवा का है? हाँ, वो कितना का है? ये हाफ लीटर है, ये एक पोवा का है, ये हाफ लीटर है, कंफ्यूज मत हो, ये छोटा सा एक पोवा है, ये हाफ लीटर का है, 300 रुपया। ओ भाई ये देखो पूरा एकदम पेड़ से तोड़ के लेके आए वैसे लग रहा है। आप लेके आए अंकल जी? हाँ, अच्छा, पूरा पेड़ से तोड़ के लेके आए ऐसे लग रहा है, एकदम फ्रेश दिख रहे है देखो। 600 रुपया आपका लीटर हो जाएगा, जब 300 रुपया का हाफ के जी का बोल रहा है तो 600 रुपया। अच्छा से बेचो, हाँ, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है? यहाँ पर एकदम मस्त खाने पीने वाला चीज, और ये देखो एकदम जलेबी, आय हाय, ये देख के तो मजा आ जाता है। और यहाँ पर कुछ नया चीज देखने को मिल रहा है, ये क्या चीज है भैया जी? ये बर्फी है। बर्फी है, इतना हार्ड होता है बर्फी? नहीं, देखने में हार्ड है, लेकिन हाँ, नरम है। अच्छा, नरम है। और ये वाला भी वही है क्या? तो पर इसमें कलर है, उसमें डिफरेंस है जो? अच्छा अच्छा, अब वो वाला भी वही है? वाह भैया, कितना सारा कलर डाल दिया। और ये देखो मिठाइयां वगैरह, कब से लगाया दुकान भैया? और कितने दिन? 25 तक ना? हाँ, चलिए। अभी तो वैसे पूरा खुला नहीं है, बट शाम के समय आई थिंक यहाँ पर थोड़ा बहुत क्राउड देखने को मिलेगा। इधर कुछ लाइन में ऐसे मैंने देखा जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपना, तो शाम तक खुल जाएगा। ये चिकन पीस कैसे करके देते हैं? ये आपका चाउमीन फ्राइड राइस में जाएगा। अच्छा, फ्राइड राइस चाउमीन में जाएगा ना, और फ्राइड राइस में ऐसे नहीं दे रहे कि चिकन लॉलीपॉप बोल के? चिकन लॉलीपॉप है, मिलेगा, मिल जाएगा ना? अच्छा, चलो भाई, यहाँ पर तो ये भी मिल रहा है। ये चीज में अभी तक मैंने सारा एक्सप्लोर किया, ये नहीं देखने मिला, ये वाला अभी देख रहा है आपके दुकान में, ठीक है। और यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी बना रहे हैं अंकल जी। भैया जी, सॉरी, अभी तो आप जवान है ना, हम ऐसे अंकल जी बोलते हैं, शादी भी नहीं हुआ है। अरे तब तो नहीं, हम सोचे कि दूर से देखा तो अंकल जी जैसे दिखे ना, एकदम गर्मा गर्म यहाँ पर जलेबी बन रहा है। इस बार जलेबी का रेट कितना करके दे रहे हैं? 200 रुपये केजी। चले ठीक है, बैठिए भैया। हाँ ठीक है भैया। ये है ट्रेडिशनल ड्रेस वाला शॉप। और ये कौन से भाई भैया जी, कौन से ट्राइब के हैं सब? असम से है क्या रिलेटेड? हाँ, नागा, हाँ, बहुत वो तो नागालैंड का है ना वो वाले? हाँ, वो दिख के पता चला क्योंकि मैं गया हूँ। और ये सब असम से है ना? ये कार्बी हो गया। हाँ, ये हो गया क्यूआ जी, ये हो गया, ठीक है, मतलब आसाम से है उतना काफी है ना इसे। हाँ, पर अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ नया नया चीज देखने। और यहाँ पर देखो कुछ, ये कहाँ का? ये आसाम के है ना? अच्छा, ये हो गया मफलर्स वगैरह, ये हो गया, ये भी मफलर्स हो गया, ये छोटे छोटे बच्चों लोगों के लिए इतना प्यारा सा दिख रहा है। ये कौन सा ट्राइब का भैया? आसाम से है ना? अंकल कौन सा पसंद किया अभी तक? सब पसंद है, पर कौन सा लगा ये नहीं पता। मेखला वगैरह भी रखे? हाँ, अच्छा, वहाँ पर देखो भाई क्या मस्त मस्त दिख रहा है।
25 तक रहेगा। जो मेरे वीडियोस देख रहे हो आके ले सकते हो भाई आप लोग, क्योंकि 25 के बाद शायद यहाँ पर आके नहीं मिलेगा ना भैया, फिर आप मेले में लगाते हैं आप, मेले में मिलता है ना। अच्छा चलिए ठीक है भैया, अच्छे से बेचिएगा और आगे चले। ये तो आपका वाह, ये कौन से ट्राइब का है, खामती लोगों का ना। हाँ दिख के लगा था, पर फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना से ठीक है। और आपके यहाँ सब खामती लोग से रिलेटेड है ना। वाह ये वाला जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में जो मेरिड होता है ना, मेरिड ओमेन वो लोग पहनते हैं ब्लैक के ऊपर में। अब जैसे कि इनका देखिए आंटी का वो जो ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर में पहना हुआ ना, वैसे सेम ये चीज़ है जो मेरिड का लिए एक निशानी हो गया। और ये हो गया आपका लुंगी, ताई खामती लोगों का लुंगी, ट्रेडिशनल लुंगी। और इसमें भी पहचानने के लिए भी एक अलग सा होता है, मतलब उल्टा सीधा भी पहचानने वाला होता है इसमें। ये जो देख रहे हो फ्लावर्स, ये प्लेन है, इसका मतलब ये उल्टा है। और इसके साइड में जो फ्लावर्स आपको ऊपर देखेंगे, इसका मतलब सीधा। तो इसमें भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। वाह आओ चलो, और कुछ नया चीज़ देखने को मिला, पूरा लकड़ी से बना हुआ। वाह इसको क्या बोलते हैं आंटी आप लोग, आप नहीं जानते आपको पता है दीदी, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? हाँ अच्छा अच्छा, ये क्या चीज़ एक्चुअली में, नाम नहीं पता हमको भी। हम लोग अपना भाषा में जी, अपना भाषा में तो बोलता है ये पंतांगसम बोलता है जी, जी। जो भगवान को सुबह सुबह हम लोग भेंट करता है जी, खाना उना सब्जी उब्जी रख करके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जी। हाँ जो लाइन से लग के हाँ देते हैं ना, हाँ भगवान को भेंट करता है जी जी जी। अच्छा वो ये पंतांगसम बोलता है हम लोग का। अच्छा पर अच्छा दिख रहा है, क्या मस्त दिख रहा है। ऐसा लगा था मुझे कि पहले एक ही चीज है, पर ऐसे उठाया तो ये अलग हो गया। अच्छा इसमें रख के देने के लिए ना जी, ये एक्चुअली हम लोग पूजा में बहुत जरूरी है जी जी जी। वो दिख ही रहा है, पता चल, ये खाना रखेगा, सब्जी उब्जी फल रखेगा, ढकेगा जी। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे में भगवान को चलाता है जी जी जी। थैंक यू। वाह चलो भाई पूरा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और बाकी ये सारे तो आपको देख के पता ही चल जाएगा क्या चीज है, छोटे छोटे प्यारे से। वाह और ये देखो, वाह भाई वाह। और इधर में एक प्लेट्स भी है, ये देखो पूरा लकड़ी का बना हुआ है, कितना मस्त लग रहा है कलर वगैरह भी देख के। तो यहाँ पर लोग पर्स लाइक इस तरह ये हमेशा कैरी करते हैं वो लोग, मतलब अपने ट्रेडिशनल को पूरा फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप का आपको ये मिल जाएंगे, मोनास वगैरह ये देखो। या अभी जाके मुझे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ देखने को मिला जो यहाँ पर मोस्टली खाते हैं लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखने को मिला बम्बू राइस, यहाँ पर देखो। ओहो अब यहाँ पर कौन सा राइस है पता नहीं, कि यहाँ पर देखो एकदम ब्राउनी टाइप में कलर दिख रहा है उसके अंदर, तो ये बम्बू राइस है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो दिख रहा हूँ ये गर्मा गर्म कुछ तो बन रहा है, इसका नाम एक्जैक्ट नहीं पता, बट मुझे ऐसे दिखने में पता चल रहा है इसमें राइस है और तिल है। ये देखो भाई आज तक मैंने बहुत से मेले देखे, बट ऐसा मेला कहीं नहीं देखा जहाँ पर मतलब आपको फ्लावर्स वगैरह बेचते हुए देखने को मिलेगा। एक छोटा सा नर्सरी यहाँ पर बन चुका है और बहुत डिफरेंट तरह के यहाँ में आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे, प्लांट्स मिल जाएंगे। और देख सकते हो भाई साहब ये वाला शायद इसमें फ्लावर्स नहीं होते, यहाँ पर देखो ये भी फ्लावर्स नहीं है, ये वाला जितने भी लाइन वाले देख रहे हो ये सारे के सारे फ्लावर्स वगैरह है। वाह वेजिटेबल्स भी बेच रहे हैं क्या भैया? ये क्या चीज़ है? अच्छा ये भी फ्लावर में आता है क्या? वाह हम सोचा वेजिटेबल जैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। और सब में रेट्स वगैरह भी दिए हुए, कौन सा कितने रेट्स का है। ये वाला जैसे आप देख रहे हो इसका है प्राइस 400 है ना भैया? हाँ भाई 400 170 सबका अलग है। और साथ ही साथ आप वहाँ पर गूगल पे करके आप ले सकते हो, ये सबसे बेस्ट है, ऑनलाइन का ज़माना है तो उसका फ़ायदा उठाना है सबको। यहाँ पर देखो भाई इतने सारे फ्लावर्स से नाम नहीं मालूम, आपको तो सब पता होगा, नाम आपको तो पता होना ही पड़ेगा ना। अच्छा भैया थोड़ा सा अंदर में देखें, ये वाला चीज़ अच्छा दिख रहा है मुझे, ये व्हाइट वाला मस्त दिख रहा है। ओ भाई जैसा दिख रहा है वैसा दाम भी है, 1150 रुपये का दाम है इसका, ये फ्लावर्स का अच्छा है। इस तरफ जितने भी दुकान लगे थे जो दिखाने वाला चीज था तो वो सारा मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखा दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा डाइनिंग हॉल की तरफ में
वहाँ पे देखते हैं कि खाने के लिए क्या क्या बना हुआ, और साथ ही साथ आपको मैं किचन वगैरह दिखाऊंगा कि वो कैसे तैयार कर रहे हैं खाना वगैरह। काफी यूनिक तरीका से वो लोग प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा तो सोचा चलो आपको भी दिखाते चले। तो यहाँ पर अभी है जनरल डाइनिंग हॉल, वो भी जनरल डाइनिंग हॉल, और उस तरफ में है मॉन्क लोगों के लिए, मॉन्क लोगों के लिए वहाँ पर बनाया हुआ है। तो चलो अब इसका अंदर चलते हैं। तरफ में एकदम बड़ा सा मेला लगा हुआ है, और इसके पीछे में आपको देखने को मिलेगा एक खूबसूरत सा नदी जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था। और यह है किचन एरिया जहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से तैयारी किया जा रहा है खाना वगैरह। यहाँ पर चावल रखा हुआ है, इधर में कुछ कुछ रखा हुआ है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा चीज में बना रहे हैं भाई, क्योंकि लोग भी काफी ज्यादा है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बन रहा है। ये देखो भाई, वाह, यहाँ पर देखो राइस कुछ इस तरह का रखा हुआ है, ये कल से रखा हुआ। और इसका फायदा क्या होता है, राइस को ऐसे एडवांस में रखने से फायदा क्या होता है, जब पकाते हैं ना तो उसका जल्दी भी पक जाता है, साथ ही साथ जो राइस है वो थोड़ा सा आपका सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है खाने के लिए। और कुछ इसीलिए एडवांस में इन्होंने पूरा पानी में भर के रखा, एक है दो तीन ऐसे करके चार, जैसे चार लकड़ी में उसमें तिरपा लगा के ऐसे रख दे, आइडिया अच्छा है, कुछ नहीं। और ये वाला नज़ारा देखो मस्त लगता है भाई। और कौन सा चावल है, लोकल चावल ना, नाम क्या है, लाही, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर चावल होगा, यहाँ पर हो गया मिक्स वेजिटेबल्स जिसमें आलू है, बीन्स है, और उसके बाद कैरेट्स, अंकल आप लेते थे यहाँ, हाँ कैरेट्स हो गए, ये सब हो गया। यहाँ पर दाल, और यहाँ पर है बैगन, आलू और टमाटर, और ये बस राइस, यही है एकदम वेज वाला, वेज सिंपल और सबसे बेस्ट। भी है खाना देने वाला जगह, और आगे में भी ये सर्व किया जा रहा है, और ये एरिया है बैठ के खाने के लिए, कितना मस्त, ऐसा लग रहा है जैसे वेडिंग हो रहा है। और यहाँ पर पानी देखो स्टॉक, फ्री पानी, फ्री खाना, कुछ भी लो खाओ, आप मजे से खाओ पेट भर के, काफी ज्यादा लोग है यहाँ पर खाने के लिए बैठे हुए, वाह। और देखो भाई बितुल भाई, हैंडसम बितुल भाई यहाँ पर हमें दिख गया, बितुल भाई क्या मस्त दिख रहा हो, थोड़ा सा दूर रहिए, दूर जाइए, दूर जाइए ना, आप थोड़ा सा वो कैटवॉक करके ये, हाँ पूरा कैटवॉक कमर हिला के इधर उधर करके, हाँ ऐसे करके मस्त दिख रहा है बितुल भाई, आज लग नहीं रहा बितुल भाई बल्कि एकदम लग रहा है कि मिस्टर चिकन एक्चुअली में, असली में लग रहा है एकदम मिस्टर चिकन। जितिया भगवान बुद्ध हबले पृथ्वी कनत ज्ञान प्राप्त होय ये कम पृथ्वी यादे तसमस करे हिलाय दिखनी। तो आपको यहाँ से लेके पूरा अंदर डाइनिंग रूम तक सब दिखा दिया। अब ये जो लास्ट देख रहे हो आप, ये मेन स्टेज है जहाँ पे सब प्रोग्राम वगैरह होगा, जैसे अभी यहाँ पर शुरू हो चुका है, कुछ बातें बताया जा रहा है जो कि लोग आराम से बैठ के सुन रहे हैं, तो यही मेन स्टेज, और बाकी सारे ये जो आपको अभी तक मैंने दिखाया। अभी दोस्तों घर पे आ चुका हूँ, और आप लोगों का हमारा ये व्लॉग कैसा लगा मैंने पूरा डिटेल्स में एक्सप्लोर करके दिखाया, हालांकि थोड़ा थोड़ा सा बाकी था जो कि आप जाके खुद भी देख सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो, 25 लास्ट तक रहेगा। और पोई लेंग का मतलब आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा, मैंने आखिरी में यहाँ आने के बाद पता किया, पोई मतलब होता है मेला, और लेंग मतलब जो आपने गाड़ी वाला देखा था ना रथ टाइप का था, उसे कहते हैं लेंग, तो उसी को लेकर पोइलंग कहते हैं। तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएगा। मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।